रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ रूल ऑफ आरएसएस है। आपके यहाँ प्रजातंत्र है उत्तर प्रदेश में, ना वहाँ लोकतंत्र है, ना वहाँ संविधान है, वहाँ सिर्फ जो है एक ही आदमी का राज है जो समझता है कि वो कानून से ऊपर है। मोदी जी कहते हैं कि आग लगे सारी दुनिया में, हम गाय मलार। उत्तर प्रदेश में आज के समय में अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आप देखते होंगे सारे अपराधी क्या करते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लखीमपुर खीरी में जब चार किसानों को रौंद दिया गया तो रौंदने के बाद जो है अभी तक ये है कि ये सिद्ध किया जा रहा है कि जिनको रौंदा गया है गलती उनकी थी। इस्लाम को गाली देते हैं लेकिन इस्लाम की इस परंपरा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है। गरीब आदमी का कोई अधिकार इस देश के कानून पर, इस देश की संपत्ति पर, इस देश के अधिकारों पर कोई हक नहीं है। सिर्फ ये देश जो है अडानी अम्बानी, जब तक इस देश का वोटर बेईमान रहेगा, जब तक इस देश का वोटर ही समझेगा कि 500 रुपए लेके मुझे वोट देना है, इस देश का वोटर ही समझेगा कि मुझे शराब की बोतल लेके वोट देना है, इस देश का वोटर ही समझेगा मुझे जाति और धर्म के आधार पर वोट देना है, इस देश का जब तक गरीब आदमी वोटर जो है समझेगा कि मैं जो है अपने लिए जो है एक नौकर नहीं चुन रहा बल्कि अपना एक मालिक चुन रहा हूं, तब तक इस देश का कोई भविष्य नहीं है और तब तक भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। दोस्तों आदावर्धन, मैं अनीस अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत खैर मकदम, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूरे देश में बड़ी तेजी से घटनाएं घट रही हैं जी, जहाँ सांप्रदायिकता अपने जोर पकड़ ही रही है, आप देख ही रहे हैं। उसमें तो कोई उन्हीं मध्य प्रदेश में एक मजार पर बम फेंका गया, छत्तीसगढ़ में हंगामा हुआ है हिंदू मुस्लिम ही है। लेकिन उसके साथ साथ शायद इनका पेट नहीं भरा सरकार का या बीजेपी वालों का, तो अब उन्होंने किसानों के ऊपर बाकायदा हमले शुरू कर दिए, जानलेवा हमले शुरू कर दिए। लखीमपुर की घटना इतनी आ रही है, इतनी आ रही है कि अब दूसरी कोई चीज़ नहीं है। हालांकि उसको दबाने के लिए इन्होंने शाहरुख खान और जाने किसके कौन कौन से हथकंडे अपनाए। सबसे बड़ी दुखद बात है कि लखीमपुर के देखे मुश्किल से 250-300 किलोमीटर दूर बैठ के आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस पर भी वो हुआ। तो ये चीज़ चल रही है, उसको भी क्लीन चिट दे रहे हैं जी। जो मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर, अब बताइए एक होम मिनिस्टर के ऊपर तो वैसे भी क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, अब ठीक है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, दूसरे के ऊपर भी लगे हुए हैं, इनके भी केस पेंडिंग में है। तो आप बताइए इसमें गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही। अगर छोटी सी बात है, प्रियंका गांधी की उनकी गिरफ्तारी कर ली, बघेल को चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ को, यानी यूपी लखनऊ के अंदर नहीं जाने दिया, दूसरे लोगों के साथ जी, हुआ है जी, टीएमसी के जबरदस्ती घुस गए, कोई हेलीकॉप्टर से उतरा तब ये हुआ नहीं टोटली। तो ये क्या हो रहा है, गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं हो रही हैं आखिर इनकी, इसके पीछे आप क्या समझ रहे हैं? इसके पीछे समझ रहे हैं क्या, ये तो सीधी साधी बात है कि योगी हो मोदी हो, इन लोगों ने तय कर रखा है कि कानून जो है इनकी लॉन्ड्री है। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं, जो लोग लॉ स्टूडेंट हैं, वकील हैं, कोर्ट में जाते हैं, जजेस हैं, कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। तो आप ये समझ लीजिए रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ रूल ऑफ आरएसएस है, रूल ऑफ फासिज्म है, रूल ऑफ डिक्टेटर है। और जैसे कि कहते हैं कि जब राजतंत्र होता है तो जो राजा की बात है, राजा ने जो कहा उसके वचन जो है, मुख से जो बात निकली वही कानून। तो यूपी में आप समझिए, प्रजातंत्र नहीं है, राजशाही शुरू हुई। ना आपके यहाँ प्रजातंत्र है उत्तर प्रदेश में, ना वहाँ लोकतंत्र है, ना वहाँ संविधान है, वहाँ सिर्फ जो है एक ही आदमी का राज है जो समझता है कि वो कानून से ऊपर है। अच्छा, एक इसके साथ जुड़ी हुई बात एक और करते, बात तो लंबी चलेगी, कि अभी संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कितने दिन बाद लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, इन सब ज़रा डिटेल हमारे दर्शकों को बताई, क्योंकि ये चीज़ें अखबारों में नहीं आ रही। अखबारों में अब नई चीज़ शुरू हुई है, एक मीडिया वार जी, कुछ अखबारों कुछ चैनल तो खुलेआम आतंकवादी थे, बिंडर वाले की बनियान पहने हुए थे और वो कार में फलाना नहीं बैठा हुआ था, ढिकाना नहीं बैठा हुआ था, इस तरीके से उसको करने लगे हैं, पत्थरबाजी हुई, ये हुई वो हुई, चार मरे तीन मरे। तो आप क्या समझते इस चीज़ को, क्यों हुआ है वो? तो मैं जब लखीमपुर खीरी की पूरी घटना के बारे में सोचता हूँ तो आप इस तरह समझिए, क्योंकि भारत जो है प्रतीकों में बात करता है, भारतीय लोग हैं। अभी जैसे आज से आप देखेंगे नवरात्रे शुरू हो गए और रामलीला शुरू हो गई है, तो ये ऐसे ही है कि हम हर चीज़ का उत्सव मनाने लगते हैं।
मौत का भी उत्सव मनाते हैं, मोदी जी तो हर चीज़ को कहते हैं उत्सव मनाओ। तो जो लोग लखीमपुर खीरी में बने तो आप देखिए कि उनकी लाश की जो चिताएं थी वो ठंडी भी नहीं हुई थी कि तभी मोदी जी ने जो है अपना जो है आज़ादी का अमृत उत्सव मना लिया वहीं, और वहीं का करीबी जाकर। तो ये बताता है कि मोदी जी कहते हैं कि लाग आग लगे सारी दुनिया में हम गाएं मलार, तो वो एक संगीना महतो फिल्म का एक गाना था तो वही जो है मोदी जी का गाना है कि दुनिया जाए भाड़ में अपना जो है काम चलता रहना चाहिए, मस्ती होती रहनी चाहिए। और मस्ती में भी वो इस तरह के मस्खरेपन की बात करते हैं कि जब उन्होंने कहा कि हमने जो है लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो है लाभ दिया, तो उन्होंने एक औरत से पूछा क्या आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिला? औरत ने कहा जी नहीं, हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। रिकॉर्ड चल रहा है। तो मोदी जी के चेहरे पे आप देखेंगे और कोई आदमी तो शर्म से डूब मरे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ठीक है। तो आप समझिए एक आदमी जो संवेदनाहीन हो जाता है तो उसकी हालत वही होती है जो मोदी जी की है कि मोदी जी इस समय जो है विभ्रम की स्थिति में है और वो समझ नहीं पा रहे कि उनके सामने क्या हो रहा है। और यही स्थिति जो है लखीमपुर खीरी के लोगों की समझिए या पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की समझिए। उत्तर प्रदेश में आज के समय में अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आप देखते होंगे सारे अपराधी क्या करते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी में शामिल होने का फ़ायदा क्या है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद आप कत्ल करो, रेप करो, मर्डर करो, किसी पे गाड़ी चढ़ा दो, किसी का घर लूट लो, किसी के घर को जला दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कानून और व्यवस्था आपके साथ हैं। यूपी के लोगों ने देखा कि जब मनीष गुप्ता की मौत हुई एक हफ्ते पहले ही, तो 6 के 6 पुलिस वाले अभी तक जो है ट्रेस नहीं हुए। खुद जो है बुलंदशहर में पुलिस के इंस्पेक्टर जो ऑन ड्यूटी थे सुबोध कुमार सिंह, उनकी हत्या कर दी गई और उनके जो हत्यारे हैं उनको जब जेल मिली, जेल से जब बेल मिली तो उनका स्वागत किया गया, भारतीय जनता पार्टी में उन्हें शामिल किया गया और भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव में जो है बुलंदशहर से टिकट देने वाली है। संगीत सोम जो कि 2013 के दंगे के बड़े अपराधी हैं जिन पे केस चल रहे हैं, जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके केस वापस नहीं लिए जाएंगे, वो जो है वहाँ पर विधायक हैं। और इसी तरह आप देखिए कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से लोगों को कुचला गया, तो ये कुचलना जो है एक मानसिकता को बताता है, अभिजात्य वर्ग की मानसिकता बताता है। और वो ये बताता है कि आप जो है आदमी को आदमी नहीं समझते, आदमी को जो है कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझते हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि अगर आपकी कार के नीचे कोई कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो बड़ा दुख होता है। हाँ, लेकिन ये जो 2000 दंगों का जो उनका स्टेटमेंट है 2002 का, और देखिए कि लखीमपुर खीरी में जब 4 किसानों को रौंद दिया गया तो रौंदने के बाद जो है अभी तक ये है कि ये सिद्ध किया जा रहा है कि जिनको रौंदा गया है गलती उनकी थी। उनकी गलती ये थी कि एक बहाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने जो है उनकी जो थार जीप है उस पर जो है पत्थर मारे, उस पर जो है डंडे मारे, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो उन्होंने जीप चढ़ाई ये गफलत में नहीं चढ़ाई बल्कि सेल्फ डिफेंस में चढ़ाई, यानी किसी सेल्फ डिफेंस में मार दो भी एक बात, सेल्फ डिफेंस। लेकिन ये अभी तक जो गिरफ्तारियां नहीं हो रही है इसके पीछे आप क्या समझ रहे हैं? इसके पीछे चुनाव में तो बड़ा नुकसान कर, आप नहीं समझिए, आप ये मत समझिए कि जो गिरफ्तारी है वो मोनू मिश्रा की होनी है, ये मोदी जी की नाक की गिरफ्तारी होनी है। अगर मोदी जी ये तय कर लें कि मेरी नाक कटेगी तो मोदी आप समझिए मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी होगी। अगर मोदी जी ये तय कर लें कि मेरी नाक कटेगी तब आप कहेंगे कि मिश्रा जी जो है टेनी मिश्रा जो कि देश के जो है गृह राज्य मंत्री राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा होगा, तब होगा। यानी कि ये तो मिलके भी आए अभी, नहीं मिलके क्या आए, आप देखिए देश की लोकतंत्र का क्या दुर्भाग्य है कि जो गृह मंत्री है वो खुद तड़ी पार रहा है, खुद मर्डर केस का अभियुक्त रहा है, जो उनके नीचे दो उप या राज्य गृह मंत्री हैं, एक टेनी है, टेनी जो है वो 302 का अभियुक्त रहा है, अभी भी जमानत पे छूटा हुआ हाई कोर्ट से, और दूसरे जो उन्होंने बताया है नीतीश प्रमाणिक जी जी। वो बंगाल का बड़ा गुंडा है, उन पे भी 10-12 के हत्या के चल रहे हैं। तो आप समझिए कि जिस सीट पर कभी सरदार पटेल बैठते थे उस सीट पर आज हथियारों का कब्जा है, और उनका ताकत क्या है कि ताकत उनकी है कि उनके नीचे पुलिस है, उनके नीचे कानून है, पूरी व्यवस्था है। और इसलिए पूरे देश में आप देखिए कि जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि हम
प्रतीकों में बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो ये कर रही है लखीमपुर खीरी में और उत्तर प्रदेश में सारी बातों को, तो मुझे एक ही प्रतीक याद आता है कि लगता है जैसे एक ये रामायण भी कर रहे हैं, महाभारत भी कर रहे हैं, एक ही स्टेज पे दोनों चल रही है कि राम का धनुष तोड़ना है तो रावण आया, रावण के बाद कर्ण ने आके कहा मैं तोड़ूंगा, फिर दुर्योधन ने कहा मैं तोड़ूंगा, फिर उसने कहा अरे डायरेक्टर ने अरे भाई ये राम को तोड़ना है, राम को आगे आने दो, तो बेचारे राम को आगे कर दिया। शबरी के बेर जो थे वो आप देखेंगे रामचंद्र जी के कृष्ण जी खा गए, ये इन्होंने ऐसी गड़बड़ कर रखी है कि हमें नहीं पता चलता कि हम जो है महाभारत के युग में है या रामलीला के युग में है। नया नया ग्रंथ लिख रहे हैं लोग, नहीं अजीब सी जिसे हम एक शब्द बड़ा चांदनी चौक में इस्तेमाल करते हैं पुरानी दिल्ली का शब्द है भसड़ तो अजीब सी भसड़ मची हुई है देश में, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है। पहले सरकार कहेगी जी आप यूपी आ सकते हो, फिर कहेंगे एयरपोर्ट पे कि जी हमने ह्यूमन चेन खड़ी कर दी है जवानों की, आप बाहर नहीं जा सकते, फिर कहेंगे नहीं आपको हमारी गाड़ी में जाना है, फिर कहेंगे कि नहीं जी आप जो है इस रास्ते से जाएंगे, फिर कहेंगे जी हम सचिन पायलट को रोक लेते हैं, फिर कहेंगे जी हम फलाना काम कर लेते हैं। यानी सरकार के स्तर पर कोई आदमी फैसला ले रहा है या नहीं, कोई व्यवस्था है या नहीं, कोई सिस्टम है या नहीं, आपको लखीमपुर से साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है जैसे कि हम कहते हैं पढ़ते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी तो उसमें एक जो किताब है वो आती है, वो लिखते हैं कि टेल ऑफ टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज में क्या है कि अभी एक जलूस निकल रहा है, जलूस का आदमी आगे जा रहा है, वो उनका नेता है, थोड़ी देर बाद अगली भीड़ आती है, वो उसके जलूस के नेता का सर जो है कलम कर देती है, फिर दूसरा नेता बन जाता है। तो एक तरह से पूरी अराजकता, कॉन्स्टिट्यूशनल आप अनार्की कहेंगे इस शब्द को, कि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ध्वस्त हो गई है उत्तर प्रदेश में और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन लग के भी क्या होगा, इन्हीं लोगों का शासन रहेगा। तो एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप जो समझिए कि बंद कमरे में आप हैं, आपके साथ जो है एक सांप भी है, एक बिच्छू भी है, एक नेवला भी है, एक शेर भी है, आग भी लगी हुई है, बदबू भी आ रही है, वहाँ पर एक कोरोना के दो मरीज भी बैठे हुए हैं, दो चार चेचक वाले भी बैठे हुए हैं, और देश की जनता जो है उन सब के बीच में एक बंद कमरे में जो है अपनी जो है आंसू बहा सकती है अपनी किस्मत। अच्छा एक बात बताइए कि योगी जी ने जो मुख्यमंत्री, उन्होंने फौरन ही कहा था कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, अब दोषी तो बख्शे जा रहे हैं। ऐसा है दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी कौन, जिन्हें वो दोषी मानते हैं, आप कानून की दोषी तो, की बात कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने किसानों को ही दोषी माना था, वो तो कह ही रहे हैं कि किसान आतंकवादी हैं, वो कह रहे हैं भेंडर वाले के समर्थक हैं, वो कहते हैं खालिस्तान समर्थक हैं, वो कहते हैं विदेशों से मदद मिल रही है, ये हमारे इलाके के ही नहीं है, ये किसान ही नहीं है। यानी कि मजेदारी है उत्तर प्रदेश में जहां पर 66% लोग जो है किसान ही पे निर्भर करते हैं, ये आंकड़ा है सरकार का, उसमें 66% लोगों में वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहते हैं किसान नहीं है। अरे भाई किसान नहीं तो बताओ ये कौन है, आपको आपका हक है कि आप बताओ जी, आइडेंटिफाई करो किसान नहीं है। किसान नहीं है तो वो क्या है, वो जवान है क्या, क्या वो रिक्शे वाले हैं, किसान नहीं है तो फिर मुआवजा क्यों दिया जा रहा है उनको 25-25, 45-45। मुआवजा तो इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में जैसे आप देखेंगे कि अरब देशों में एक परंपरा है, मिडिल ईस्ट के देशों में, कि वहाँ अगर आप किसी का मर्डर कर दें तो उसकी वाइफ को ये अधिकार है कि अगर वो मुआवजा हाँ, आपको माफ करना चाहे तो माफ कर देती है। तो इस्लाम को गाली देते हैं, लेकिन इस्लाम की इस परंपरा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है कि आप किसी का मर्डर करो, उसके घर वालों को पैसा लो और पैसा लेकर जो है हम आपको बरी करते हैं, ऐसे रेप में थोड़े दिन बाद हो जाएगा। मेरे को एक याद है दिल्ली, जब हम दिल्ली में वकालत कर रहे थे तो एक अरुणा सुरेश दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट जज थी, सेशन जज थी, वो बाद में हाईकोर्ट की भी जज बनी, तो उन्होंने एक बलात्कार की शिकार लड़की को कहा कि मैं तुम्हें जो है 5 लाख रुपये का ड्राफ्ट दिलवा देती हूँ अभियुक्त से, और वो जो ड्राफ्ट जो है उसमें लगा कोर्ट की फाइल में, हमने उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, और जब वो ड्राफ्ट की सर्टिफाइड कॉपी जब हमें मिल गई तो हमने हाई कोर्ट में इस पे मुकदमा डाला कि यह औरत जो है अरुणा सुरेश जज बनने रहने लायक नहीं है। तब अरुण जेटली जो कि देश के कानून मंत्री रहे, बीजेपी के बड़े नेता रहे, वो उसके लिए अपीयर हुए और उन्होंने सारे मामले को यानी आप समझिए गड़बड़ करके जो है सुलटा लिया और अरुणा सुरेश बच गई। बाद में वो जो है दिल्ली हाईकोर्ट की जज बनी और उसके बाद पहली जज थी कि जिनके बेटे के खिलाफ जो है सीबीआई ने उनके जज के आवास पर छापा मारा और मुकदमा आज भी चल रहा है। तो आप समझिए ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इनको नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की नैतिकता क्या थी, लोग किसको नेता को सबसे ज़्यादा याद करते हैं, आपको मैं कहूँगा लाल बहादुर शास्त्री को। रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने रेल मंत्री होते हुए कहा ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस्तीफा दूँ, उनकी गलती नहीं थी।
लेकिन उन्होंने एक आदर्श खड़ा किया। बड़े नेता जो है आदर्श खड़े करते हैं और छोटे नेता जो होते हैं ढीठ की तरह जो है कुर्सी से चिपक जाते हैं। फेविकोल का घोल लगा के जो है ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है पिस्सुओं की तरह जो है आप समझिए कुर्सियों से चिपक गए। भाई इनका तो ये है, गांधी जी की बात कर रहे हैं, शास्त्री जी की बात कर रहे हैं और सरदार पटेल की बात कर रहे हैं तो गोडसे को जिंदाबाद कहते हैं। ऐसा है, इनको तो बेचारों को पता ही नहीं, ये भ्रमित है। ये तो ऐसे है कि वैश्यावती कोई आदमी करने जाता है तो वो कहेगा वैश्यावती भी होनी चाहिए, जाया जाए, क्योंकि उसका जीवन उसी में पला हुआ है। जो लोग जो है वहाँ पर दलाली करते हैं, अगर कोठे पे जाकर कोई आदमी तबला बजा रहा है, सारंगी बजा रहा है, तो वो उसे बुरा नहीं कह सकता, वो कहेगा ये भी एक धंधा है। धंधा है तो आप जो है तो जो ये जो मर्डर कराना जिस तरीके से अब शुरू हुआ है, अभी तक तो मेरी 40 साल की पत्रकारिता है, आपका भाई इतना तजुर्बा है 40 साल 45 साल का, खुले आम भीड़ में जीप घुसेड़ देना उसके बाद ना, ना मैंने जैसे पहले ही शुरू किया कि ये एक अभिजात्य मानसिकता है। सबसे पहला एक आपको याद आएगा इस तरह किन लोगों को कुचलकर मारा गया था, वो दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कांड हुआ था। हाँ हुआ था। बीएमडब्ल्यू कांड में ये हुआ कि एक जो अमीर जादे ने उस लड़के ने अपनी जो है बीएमडब्ल्यू नई कार जो है रात को 4 बजे फुटपाथ पर सोते हुए लोगों पर चढ़ा दी थी और चढ़ाने के बाद पुलिस का ये रवैया था, दिल्ली पुलिस का, कि उन्होंने उस घटना में घायल आदमी का बयान ले लिया और उस बयान में उस आदमी से ये कहलवा दिया कि ये जो है बीएमडब्ल्यू कार नहीं थी, ये ट्रक था जो हमारे ऊपर चढ़ गया। जी जी, उसमें तो पैसे का खेल काम करता है। पूरी फिल्म बन चुकी है। नहीं, फिल्म तो बाद में बनी, मैं बता रहा हूँ कि फिल्म में भी ये बात नहीं आई कि वो जो है कार को ट्रक में बदल दिया गया। हाँ। और कार को ट्रक में बदल दिया तो एनडीटीवी ने जो है इसकी एक मुहिम चलाई और मुहिम चलाने के बाद हम सबने देखा कि वो मुहिम कामयाब हुई और बाद में जो है संजीव नंदा जो कि उसका अभियुक्त था, जो कि सुरेश नंदा का और एडमिरल नंदा का पोता था, उसको जो है बाद में सजा भी मिली लेकिन फिर भी वो छूट गया। उसी तरह आप देखेंगे कि एक हमारे फिल्म जगत के बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बम्बई पे जो है बम्बई में फुटपाथ पे सोते लोगों पे कार चढ़ा हाँ, चला दी थी। उनके बारे में भी ये आया कि जी ये कार ये चला रहे थे नहीं चला रहे थे ये नहीं पता चला और उनको कोई सजा नहीं मिली अभी तक और अब वो बरी होकर आराम से घूम रहे हैं। तो इस देश में अमीर आदमी, उन्होंने तो मोदी जी के साथ पतंग भी उड़ाई हुई है, पतंग भी उड़ाई उन्होंने और भी हो सकता है और भी कुछ उड़ाया हो, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस देश में समझिए गरीब आदमी को रहने का हक नहीं है। गरीब आदमी का कोई अधिकार इस देश के कानून पर, इस देश की संपत्ति पर, इस देश के अधिकारों पर कोई हक नहीं है। सिर्फ ये देश जो है अडानी अम्बानी और उन जैसे लोगों के साथ है जिनके पास पैसा है, अकूत पैसा है, कानून भी उनके पीछे है, जज भी उनके साथ है, पुलिस भी उनके साथ है, उनको जेट प्लस सिक्योरिटी भी मिलती है, वही जो है सेलिब्रिटी हैं, वही टीवी चैनलों पे मालिक हैं, वही उनको हक जमा के बैठे हुए हैं और वही देश का शोषण कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जो ये सब चल रहा है इसका यूपी के चुनाव पे और कई जगह चुनाव होना है, पंजाब में होना है, या बीजेपी एक सत्ता में आने की ललक में बैठी हुई है, हालांकि ममता बनर्जी ने तो हर तरीके से तोड़ा है उनका वो, तो इसका असर क्या पड़ेगा देश की राजनीति पे, मैं आपसे पूछना चाहूँ। देखिए, इसकी देश की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक गरीब बेईमान रहेगा, जब तक इस देश का वोटर बेईमान रहेगा, जब तक इस देश का वोटर ही समझेगा कि 500 रुपये लेके मुझे वोट देना है, इस देश का वोटर ही समझेगा कि मुझे शराब की बोतल लेके वोट देना है, इस देश का वोटर ही समझेगा मुझे जाति और धर्म के आधार पर वोट देना है, इस देश का जब तक गरीब आदमी वोटर जो है समझेगा कि मैं जो है अपना अपने लिए जो है एक नौकर नहीं चुन रहा बल्कि अपना एक मालिक चुन रहा हूँ, तब तक इस देश का कोई भविष्य नहीं है और तब तक भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। हाँ, जिस दिन ये गरीब आदमी जग गया, जैसे किसान जगे हुए हैं, अगर ये सारे किसान जग गए, अगर सारे मजदूर जग गए, अगर सारे बेरोजगार जग गए, अगर सारे अशिक्षित लोग जग गए, अगर सारे वो लोग जग गए जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती, तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं मिलेगा, इनकी जमानत तक नहीं बचेगी और आने वाले समय में लोग जो है इनको देखते ही अपने जूते उठा लेंगे, ये आने वाले समय में होगा, लेकिन गरीब जागेगा तब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंदर जी कि आपने कहा कि सबसे पहले जागो, हालांकि किसान जागा हुआ है, किसान नहीं मान रहा है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण देश का किसान जागा है, लेकिन हाँ गांधी जी ने भी ये किसान मूवमेंट से ही अपना आंदोलन शुरू किया था बिहार से, और तमाम चीज़ें जो होती हैं अन्नदाता हैं, इनका आंदोलन कहाँ तक जाता है हमें देखने वाली बात है, लेकिन जागना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।